गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरमीडियरीज इन न्यू इशू मार्केट, मतलब कौन कौन से पार्टीज हैं जो एज अ इंटरमीडियरी रोल प्ले करती हैं इन न्यू इशू मार्केट। नंबर ऑफ एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज मार्केट रोल प्ले करते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो चीज़ है दैट इज़ हमें सिर्फ उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में और जो वो इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके बारे में जानना है, तो सिर्फ उनका मीनिंग और उनके फंक्शंस वो क्या क्या करती हैं। तो सबसे पहले आता है मर्चेंट बैंकर्स लीड मैनेजर्स, जिसे हम कहते हैं मर्चेंट बैंकर्स। कौन होते हैं? नॉर्मल ऊपर इसका मीनिंग अगर हम समझे तो मर्चेंट बैंकर्स वो बैंक्स होते हैं जो मर्चेंट्स के लिए होते हैं, मतलब जो बिजनेस हाउसेस को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। डिफरेंट हाउसेस को किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि आपको इशू कैसे निकालना है, आपको रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है और पोर्टफोलियो उनका मैनेज करते हैं। उस तरीके की जो सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड करवाते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस को वो मर्चेंट बैंक्स कहलाते हैं। तो जो मर्चेंट बैंक्स हैं उन्हें डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे कि इंग्लैंड में एक्सेप्टिंग एंड इशूइंग हाउस उन्हें कहा जाता है, अमेरिका में उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंक्स कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? ये ऑपरेट करते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए, ट्रस्ट के लिए, चैरिटीज एक्सेट्रा के लिए। फंड्स मैनेजमेंट करते हैं एग्जिस्टिंग कंपनीज का, अंडरराइटिंग करते हैं न्यू और ओल्ड कंपनीज के लिए। अब ऑब्लिगेटरी है पब्लिक इशू अगर कोई निकाल रहा है तो जो मर्चेंट बैंकर्स हैं एज अ लीड मैनेजर्स वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक्सेप्ट अगर आप राइट इशू निकाल रहे हो 50 लाख रुपीज से जो ज्यादा का नहीं है उसको छोड़कर, बाकी पब्लिक इशू जो भी आप निकाल रहे हो उसके लिए ऑब्लिगेटरी है मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना एज अ लीड मैनेजर्स। देन आते हैं आपके अंडरराइटर्स। अंडरराइटिंग क्या होता है हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अंडरराइटिंग का मतलब है एक एग्रीमेंट जो हो रहा है इशूइंग कंपनी के बीच में और एक पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गारंटी दे रहा है इशूइंग कंपनी को कि जो आपके शेयर्स हैं, जो आपका इशू है, मैं उसे फुली सब्सक्राइब करवा दूंगा पब्लिक से। अगर वो नहीं करवा पाता है तो वो खुद उसको सब्सक्राइब करेगा। तो जो ये गारंटी देता है पर्सन या इंस्टीट्यूशन उसको अंडरराइटर कहा जाता है। देन नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज बैंकर टू एन इशू। बैंकर टू एन इशू क्या होता है? बैंकर टू एन इशू हेल्प करता है प्राइमरी मार्केट में। उसका काम क्या होता है? जब आपने इशू निकाला है तो उसके लिए जो एप्लीकेशंस लोग अप्लाई करेंगे, जो एप्लीकेशन लोग सबमिट करवाएंगे एप्लीकेशन मनी के साथ, उसको एक्सेप्ट करना काम है बैंकर टू एन इशू का। उसको एक्सेप्ट करना एप्लीकेशन मनी को इन्वेस्टर से और एप्लीकेशन मनी को रिफंड करना उन एप्लीकेंट्स की जिनको सिक्योरिटीज अलॉट नहीं हुई है, वो काम होता है बैंकर टू एन इशू का। जो बैंक है वो ऑपरेट कर सकता है एज अ बैंकर टू एन इशू, लेकिन उससे पहले उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा सेबी से। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड ट्रांसफर एजेंट। रजिस्ट्रार टू एन इशू और ट्रांसफर एजेंट क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रार टू एन इशू। रजिस्ट्रार टू एन इशू वो इंस्टीट्यूशन होता है जिसे आप एक इशू का रजिस्ट्रार अपॉइंट कर रहे हो। रजिस्ट्रार का मतलब है वो क्या क्या काम करेगा? मेंटेन करेगा रजिस्टर मेंबर्स के, इंडेक्स मेंबर्स का, प्रिपेयर करेगा, इशू करेगा शेयर सर्टिफिकेट को, रूटीन इंक्वायरीज जो शेयर होल्डर्स, स्टॉक ब्रोकर्स या अदर्स से आती है उनको हैंडल करेगा, प्रिपेयर करेगा, डिस्पैच करेगा डिविडेंड को, इंटरेस्ट वारंट्स को, नोटिसेस जो होंगे मीटिंग्स की, एनुअल रिपोर्ट्स, कंपनी का कम्युनिकेशन जो होगा कंपनी का शेयर होल्डर्स के साथ उसके नोटिसेस को डिस्पैच करना, असिस्ट करेगा इन प्रिपेयरिंग ट्रेजरी एनुअल रिटर्न्स जो कंपनी ने फाइल करने हैं विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एवरी ईयर, असिस्ट करेगा कंपनी सेक्रेटरी को इन कंपनी जर्नल मीटिंग्स, इन द मैटर्स ऑफ वोटिंग और प्रॉक्सी एंड अटेंडेंस स्लिप्स, और अपॉइंट करना रजिस्ट्रार ऑफ राइट इशू के लिए रजिस्ट्रार को मैंडेटरी है। देन रजिस्ट्रार ऑफ इशू के बाद आता है नेक्स्ट शेयर ट्रांसफर एजेंट्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मेंटेन करना रिकॉर्ड्स ऑफ होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटीज कंपनी के और कंपनी के बिहाफ पे, हैंडल करना सभी मैटर्स जो रिलेट करते हैं ट्रांसफर या रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी से रिलेटेड, और ये फंक्शन करते हैं एज अ डिपॉजिटरी
पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरमीडियरी जो है दैट इज डिबेंचर ट्रस्टी। जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो जरूरी होता है डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना। डिबेंचर ट्रस्टी ट्रस्टी होता है ट्रस्ट डीड का जो इशू ऑफ डिबेंचर से पहले कंपनी को बनानी होती है। डिबेंचर ट्रस्टी का काम होता है डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज ब्रोकर्स टू एन इशू। ब्रोकर्स टू एन इशू क्या होते हैं, ब्रोकर्स टू इशू क्या होते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। जब भी कंपनी ने इशू निकाला है तो उस इशू को सब्सक्राइब करवाने के लिए जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनको ढूंढना, और जो सिक्योरिटीज हैं जो सेल बाय सेल डील और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से सब्सक्रिप्शन लेके आना, वो सारा काम जो होता है वो ब्रोकर्स टू एन इशू का होता है। इशू ऑफ सिक्योरिटीज के लिए पब्लिक को एक कंपनी जो है वो जितने चाहे ब्रोकर्स को अपॉइंट कर सकती है। ब्रोकर्स इन सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं वो एजेंट जो कस्टमर्स जो इन्वेस्टर्स हैं जो जनरल पब्लिक है वहां से इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने के लिए। देन ये रजिस्टर्स होने चाहिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से सेबी से। देन नेक्स्ट जो हमारे आता है दैट इज पोर्टफोलियो कंसल्टेंट। सबसे पहले पोर्टफोलियो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज को हम पोर्टफोलियो कहते हैं, जैसे स्टॉक बॉन्ड्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट लिए हुए हैं उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो उन सबके कॉम्बिनेशन को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट वो पर्सन्स वो फर्म्स वो कंपनीज होती हैं जो आपको एडवाइस करती हैं कि आपको अपने जो फंड्स हैं वो कैसे मैनेज करने हैं, वो मैनेज करती है फंड्स को ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, उन्हें हम पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स कहते हैं। तो ये थे हमारे इंटरमीडियरीज न्यू इशू मार्केट के। नेक्स्ट है हमारा राइट्स क्या है इन्वेस्टर्स की, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले देखते हैं राइट्स एज अ शेयर होल्डर क्या है। शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी अगर पर्सन है तो इन्वेस्टर है तो कौन कौन सी राइट्स एंजॉय करता है, उसे रिसीव होने चाहिए शेयर सर्टिफिकेट्स अलॉटमेंट का टाइम पर, ट्रांसफर अगर करना है तो वो ड्यू टाइम पर रिसीव होनी चाहिए कॉपीज एनुअल रिपोर्ट्स की, बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और ऑडिटर्स रिपोर्ट। डिविडेंड रिसीव करना ड्यू टाइम में उसका राइट है। कॉर्पोरेट बेनिफिट्स जैसे राइट शेयर्स बोनस शेयर्स एक्सेट्रा रिसीव करना राइट है। पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कर सकता है जर्नल मीटिंग्स में पर्सनली और थ्रू प्रॉक्सीज, इंस्पेक्ट कर सकता है मिनट्स जर्नल मीटिंग्स के और उसकी कॉपीज वो रिसीव कर सकता है, अप्लाई कर सकता है कंपनी लॉ बोर्ड को, कॉल कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है एनुअल जर्नल मीटिंग के लिए, प्रोसीड कर सकता है कंपनी के अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, अप्लाई कर सकता है फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, रिसीव कर सकता है रेसिडुअल प्रोसीड्स एज अ ग्रुप। उसके जो राइट है वो कौन से हैं, डिमांड कर सकता है पोल किसी भी रेजोल्यूशन पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग को वो बुला सकता है, अप्लाई कर सकता है कंपनी लॉ बोर्ड को कि वो इन्वेस्टिगेट करे अफेयर्स ऑफ द कंपनी को, अप्लाई कर सकता है कंपनी लॉ बोर्ड को फॉर रिलीफ अगर उसकी जो राइट्स हैं उसे ऑप्रेस किया जा रहा है या मिसमैनेजमेंट हो रही है कंपनी में। एज अ डिबेंचर होल्डर जो उसके राइट हैं दैट इज रिसीव करना इंटरेस्ट और रिडम्पशन ड्यू टाइम पर, अप्रोच करना ट्रस्टी को अगर कोई भी उसे ग्रीवियंसेस है, रिसीव करना कॉपी ट्रस्ट डीड की ऑन रिक्वेस्ट, अप्लाई कर सकता है वो फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अगर कंपनी फेल करती है उसके डेप्ट को ड्यू डेट पर रीपे करना। देन लास्ट टॉपिक जो हमारे चैप्टर का है दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू इशू मार्केट। क्या क्या प्रॉब्लम्स है न्यू इशू मार्केट की। सबसे पहला आता है हमारा इनएडिक्वेट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। जो न्यू इशू मार्केट है एडिक्वेट सेविंग्स पब्लिक से मोबिलाइज नहीं कर पाती है। 10% से लेस फाइनेंशियल सेविंग्स हाउसहोल्ड सेक्टर की जो है वो इन्वेस्ट होती है सिक्योरिटीज मार्केट में। जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कॉर्पोरेट्स की होती हैं उसे फुलफिल कौन करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट प्लेसमेंट्स करते हैं। तो जो नॉर्मल हाउसहोल्ड्स हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है सिक्योरिटीज मार्केट में दैट इज लेस देन 10%। तो ये इनएडिक्वेट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग
लिमिटेशन हुआ, प्रॉब्लम हुई। देन नेक्स्ट इज योर अंडर डेवलपमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। जो होलसेल मार्केट है न्यू इशू के लिए वो अंडर डेवलप्ड है इंडिया में, और इसीलिए जो मर्चेंट बैंकिंग है वो भी अपने इन्फेंट स्टेज पे है। देन नेक्स्ट आता है डाइवर्जन ऑफ फंड्स। जो कैपिटल इक्विटी कैपिटल है उसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है, तो जो पैसा इक्विटी कैपिटल में लगना चाहिए वो डाइवर्ट हो जाता है लेस रिस्की जो आपकी सिक्योरिटीज है, जैसे डिबेंचर्स हो गया। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम्स इन्वेस्टर्स ऑफ सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज के। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म जाता जो है वो सेंटर्स के थ्रू जाता है, जहाँ बैंक्स ऑथराइज हैं एक्सेप्ट करने के लिए। ह्यूज अमाउंट उन्हें लगानी पड़ती है बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल चार्जेस के ऊपर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, कलेक्शन चार्जेस उनके लगते हैं रिफंड ऑर्डर्स के लिए। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो प्रोबेबल इन्वेस्टर्स को पर्टिकुलरली सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के आती है। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस न्यू इशू मार्केट की। इसके साथ जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे इसके आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसमें जो आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिया जाना है वो आप कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इशू मार्केट, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू इशू मार्केट, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ न्यू इशू मार्केट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो क्वेश्चन अभी आपको बताया गया है ये जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको कवर करता है। और नेक्स्ट जो आगे चैप्टर्स हैं उसमें जो भी सेकेंडरी मार्केट है स्टॉक एक्सचेंजेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विद दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड। और इसका जो सरप्राइज टेस्ट है वो आपको गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड करवाया जाएगा। विद दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन और माय लेक्चर ऑन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।